हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। तो आप सभी लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि आईएनएस विक्रांत जो है वो यहाँ पे सी ट्रायल्स में निकल चुका है और अब इसके जो सी ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और करीबन 12 से 14 महीने का समय लगने वाला है। उसके बाद इसको यहाँ पे फॉर्मली अगले साल के अंत तक यहाँ पे इंडक्ट कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में, और हो सकता है कि अगले साल के मिड हाफ तक ही इसको यहाँ पे इंडक्ट कर लिया जाए। और जिस तरीके से हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य है, उसके पास अपना कैरियर बैटल ग्रुप है, इसके पास भी अपना कैरियर बैटल ग्रुप होगा जिस पे ये किसी भी मिशन में जाएगा तो अपने फुल कैरियर बैटल ग्रुप के साथ ही जाने वाला होगा। तो उसके बारे में भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम एक कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पे ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य में जो इसका लिफ्ट की साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, जहाँ पे रफाल एम हो गए, F/A-18s हो गए, ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा आंसर होता है, ना तो हम डेक पे मौजूद हैं और ना ये जिन चीज़ों को जो बता रहे हैं वो यहाँ पे डेक पे मौजूद हैं, और ना ही हमें ये पता है कि जिस ड्रोन से पिक्चर्स क्लिक की गई हैं या फिर जिस हेलीकॉप्टर से पिक्चर्स क्लिक की गई हैं वो किस एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा था। और यहाँ पे जो चीज़ें हमें मालूम हैं उसके बारे में भी एक करेक्ट स्पेकुलेशन लगाना यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अच्छा नहीं होगा। एनीवेज, यहाँ पे जो एयर विंग होने वाली है इसकी, वो यहाँ पे पॉसिबल जो है वो यहाँ पे MiG-29K ही होने वाली है, और हो सकता है कि इंडियन जो नेवी है वो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा MiG-29K रशिया से प्रक्योर कर ले। उसके अलावा KS-31 जो हेलीकॉप्टर्स हैं, यानी कि AVAX हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। HAL के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद रहेंगे। MH-60R जो रोमियो, यानी कि जो मल्टी रोल एंटी सबमरीन वॉरफेयर करने में सक्षम है, वो भी यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और हेलीकॉप्टर्स को भी लाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके डिस्ट्रॉयर्स के बारे में। तो यहाँ पे 3 से 4 डिस्ट्रॉयर हो सकते हैं या फिर उससे कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हो सकते हैं जिन पे नेवल गम लगाई गई है। साथ ही साथ ये ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस हैं। इसके अलावा बराक 8 मिसाइल से भी लैस हैं, और साथ ही साथ अलग अलग तरीके के जो टॉर्पीडोज हैं वो भी यहाँ पे लॉन्च करने में सक्षम है। और हो सकता है कि इनके साथ साथ कोलकाता क्लास के भी डिस्ट्रॉयर्स का यूज़ किया जाए जिनमें भी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लैस है, साथ ही साथ टॉर्पीडोज अलग अलग तरीके के हैं, और साथ ही साथ बराक 8 जो मिसाइल है वो इसमें भी लगी हुई है। इसके बाद जो फ्रिगेट्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि डेफिनेटली होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 3 से 4 या फिर उससे कम जो फ्रिगेट्स हैं वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि नीलगिरी क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं वो लगाए जाएंगे या फिर तलवार क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं वो लगाए जाएंगे। तो इन दोनों फ्रिगेट्स में यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल भी लैस है, साथ ही साथ यहाँ पे बराक 8 भी है, अच्छे खासे नंबर में टॉर्पीडोज भी होंगे, और इसके अलावा नेवल गन भी मौजूद है। तो यहाँ पे अगर ये फ्रिगेट्स रहते हैं इसके साथ तो जो प्रॉपर सिक्योरिटी है और प्रॉपर जो सपोर्ट है डिस्ट्रॉयर्स को वो भी यहाँ पे मिलता रहेगा। और हालांकि डिस्ट्रॉयर्स इनफ होंगे इस तरीके के कैरियर को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे जो कॉर्वेट्स हैं वो भी रख सकते हैं, जो कि होना लाजमी है। तो कोरा क्लास के जो कॉर्वेट्स हैं वो लगाए जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल्स जो कि इंडिया प्रक्योर करने वाला है इन फ्यूचर में, वो भी यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। इनमें भी जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं वो लैस हैं, SR-SAM भी लैस है, और इसके अलावा मैनपैड्स भी यहाँ पे लगी हुई है जिससे कि सिक्योरिटी और मजबूत हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट जो टैंकर्स हैं वो यहाँ पे लगाए जाएंगे, यानी कि INS ज्योति या फिर दीपक क्लास के जो फ्लीट टैंकर्स हैं वो यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, जो कि रीसप्लाई के लिए रहेंगे, या तो फूड की रीसप्लाई या फिर यहाँ पे जो फ्यूल की रीसप्लाई है उसकी भी यहाँ पे रीसप्लाई की जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉर्वेट्स हैं वो लगाए जा सकते हैं, और जिनका लगना लाजमी भी है तो यहाँ पे कमोर्ता क्लास के जो कॉर्वेट्स हैं वो यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे अच्छे खासे नंबर में टॉर्पीडोज भी कैरी करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे SR-SAM जो है वो भी यहाँ पे इन फ्यूचर में लगने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं और जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, दोनों का ही करीबन 2 से 3 जो सबमरीन्स हैं वो इनके साथ रहने वाली हैं। ये सारी चीज़ें यूजुअली डिपेंड करती हैं कि आप किस मिशन के लिए जा रहे हो और किस तरह के मिशन को परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे जो INS चक्रा है, हो सकता है जब INS चक्रा इन फ्यूचर में हमारे पास आ जाएगी तो वो सबमरीन हो सकती है, और जब तक नहीं है तो स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स हैं या फिर शिशुमार क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो इसके कैरियर बैटल ग्रुप में यहाँ पे सपोर्ट प्रदान कर सकती हैं। इसके अलावा ये जो कैरियर बैटल ग्रुप है इसमें जैसे जैसे इंडिजिनस चीज़ें बढ़ती जाएंगी, यानी कि इंडिजिनस सबमरीन्स, इंडिजिनस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जैसे जैसे हमारे पास आती जाएंगी, वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे और एडवांस होती चली जाएंगी। साथ ही साथ कैरियर बैटल ग्रुप का जो एक्सपेंशन है वो हमेशा से ही होता है। अगर आपके पास ज़्यादा अच्छे एसेट्स हैं, यानी कि अगर आपके पास अच्छे खासे नंबर में न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, तो आप अपने कैरियर के साथ 5 से 6 सबमरीन्स भी रख सकते हो, या फिर आपके पास अच्छे खासे अगर फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर्स हैं तो
तो आप अच्छे खासे नंबर में डिस्ट्रॉयर्स भी रख सकते हो। जितने ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स रहेंगे, उतना अच्छा जो सपोर्ट है वो आपको मिलेगा, और आपकी जो फायर पावर है एनिमी टेरिटरी में जाकर वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो इसी तरीके से इन फ्यूचर में इसकी जो पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। साथ ही साथ अगर हो सकता है, अगर इंडियन नेवी जो है या फिर इंडियन गवर्नमेंट है इसको यहाँ पे साउथ चाइना सी में या फिर पैसिफिक ओशन में यहाँ पे डिप्लॉय करती है, वो एक काफ़ी बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इन सभी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो को इतना ही। जय हिंद।